क्यों आई हो तुम यहाँ? नहीं आना चाहिए था तुम्हें। क्या जरूरत थी ये सब करने की खुर्रम? मैंने और बच्चों ने कभी आपसे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की थी जो आपकी हैसियत से बढ़कर हो। एक बार बच्चों के बारे में तो सोच लिया होता कैसे गुजारेंगे आपके बगैर ये जिंदगी। लालची हो गया था। भूल गया था कि मेरी लालच मुझे इस मुकाम पर ले आएगी। आप जानते हैं आपकी बेखबरी ने मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा किया? बच्चों से बात करते हुए डरने लगी हूं मैं। उनके सवाल आप परेशान करने लगे मुझे। आफरीन, ये सारी परेशानियां तुम्हारी मेरी वजह से हैं। क्या मैं तो तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊं। मैंने जो भी किया है मैं उस पर सिर्फ शर्मिंदा ही हो सकता हूं। बस मैं ना सही, अम्मी अबू तुम्हारे और बच्चों के साथ रहेंगे। भले मैं कभी उनका अच्छा बेटा नहीं मिल पाया, लेकिन वो बेहतरीन माँ बाप है। लेकिन वो तुम्हें कभी एहसास नहीं होने देंगे कि तुम अकेली हो। क्या आपको लगता है ऐसे आपकी कमी पूरी हो जाएगी? क्या करूं कि इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और अफरीन प्लीज, यहां से जाने के बाद कोशिश करना कि दोबारा मत आओ। क्योंकि मैं तुम्हें जेल में एक मुजरिम की बीवी की हैसियत से नहीं देख सकता। प्लीज नहीं आना यहां। माफ कर दो, जाओ। रोना नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। नहीं गम से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही। जितना कड़वा है तू उतनी मीठी है माँ, जाने तेरे बिना क्यों पिघलती है जान। नजदीक है कितनी छाओ तेरे, माँ बाप है दोनों पाओ तेरे।
नजदीक है कितनी छाओ तेरे, माँ बाप है दोनों पाओ तेरे। क्यों ये दूरी का एहसास होने लगा, ऐसा लगता है क्यों चैन खोने लगा। मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास।